नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज। जमियत उलेमा जिला मुजफ्फरनगर की एडहॉक कमेटी की देखरेख में आज अंबा विहार के मदीना गार्डन के हॉल में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। वहीं जमियत उलेमा जिला मुजफ्फरनगर द्वारा आयोजित बैठक में तदर्थ समिति के सदस्य मुफ्ती मोहम्मद इंतजार कासमी द्वारा उत्तर प्रदेश के जमियत उलेमा के अध्यक्ष और मुजफ्फरनगर जिले के सदस्यों और उपस्थित लोगों के लिए एक स्वागत कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें जिला मुजफ्फरनगर की सेक्रेटरी रिपोर्ट एडहॉक कमेटी के कन्वीनर मौलाना मुकर्रम कासमी ने पेश की। आज जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर की तरफ से एक रूटीन का प्रोग्राम था, जो जनरल बॉडी की मीटिंग होती है हर ज़िले की तरफ से, अपने ज़िले के वर्कर्स को जमा करके और जमीयत के काज को, उसके प्रोग्राम को, उसके पैगाम को सिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि आप अपने अपनी तहसील में, गांव में, देहात में जाकर इस तरह से जमीयत के प्रोग्राम्स को चलाएँ। तो आज जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर की जनरल बॉडी की मीटिंग थी और मौलाना मुकर्रम अली साहब कासमी, जो एडहॉक कमेटी के कन्वीनर हैं, उन्होंने, उनके साथियों ने मेहनत करके लोगों को जमा किया था। मुझे खुशी है कि लोग अच्छी तादाद में जमा हुए और जमीयत के पैगाम को सुना और हमें उम्मीद है कि वो अपने अपने इलाकों में जाकर उसको आम करने की कोशिश करेंगे। हम मुसलमानों को ये संदेश देना चाहते हैं कि तालीम के, एजुकेशन के सिलसिले में उनमें बेदारी पैदा हो और अपने तालीमी इदारों को कायम करें ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ाने और उनको आगे बढ़ाने में कामयाब हो सके। मुस्लिम स्कूलों में भेजें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर कोई किसी और स्कूल में भेजता है तो हम उसका हाथ तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन जब आप ये कहेंगे अपने स्कूल में भेजो, तभी सामने वाले के दिल में ये शौक पैदा होगा कि अपना स्कूल कायम किया जाए। हमें ये कहना है कि बच्चा तो बच्चा है, किसी भी बच्चे के साथ मज़हब की बुनियाद पर भेदभाव करना ये हमारे मुल्क की रीत और रिवायात के ख़िलाफ़ है। हम इसको, उसकी निंदा करते हैं और उसको गलत कहते हैं। महिला आरक्षण को, आरक्षण बिल पास होने वाला है, उसको लेकर क्या कहना है? अभी कहीं ना पास होने वाला है, ना उस पर अमल होने वाला है। उसकी बहुत सी शर्तें हैं, वो पूरे होते होते कई इलेक्शन गुजर जाएंगे, इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर मगर कुछ नहीं, अगर पास होता है तो बहुत अच्छी बात है, मगर कब होता है कुछ पता नहीं। 2024 का चुनाव, जमीयत का एक ही पैगाम है कि फ़िरका परस्ती इस देश को नुकसान पहुँचाने वाली है, इसलिए वो पार्टियां जो फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ मिलजुल कर लड़ने के लिए मैदान में आई हैं, उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए। इसमें कोई हरज नहीं, अगर सब इस पर एक हो जाएं, एकजुट हो जाएं और इससे कोई गलत फ़ायदा उठाने का इरादा न करें तो इसमें कोई हरज नहीं, मगर नीयत ख़राब है अगर तो यकीनन गलत है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे देश का सर बुलंद हुआ, हम इसको अच्छी नज़र से देखते हैं।